नमस्कार दोस्तों, हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप मतलब कि घर कैसे बनाना है। अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। और अभी तक जो है मेरा बहुत सारा पार्ट बन चुका है, 33 पार्ट मैंने बनाया है। ये मेरा टारगेट यही है कि फुटिंग से लेकर के फिनिशिंग तक आपको सब कुछ दिखाऊं, जिससे क्या है कि कोई हर एक नागरिक अपना घर बना सकता है मेरा वीडियो को देखते हुए। तो आज जो है हम बताएंगे आपको कि वेन टू फिक्स MS और SS ग्रिल फॉर विंडो। अगर आप विंडो फ्रेम लगा दिए, आप सोच रहे हैं कि अब उसमें माइल्ड स्टील का चाहे स्टेनलेस स्टील का ग्रिल लगाना चाह रहे हैं तो कब लगाएंगे भाई, उसी के बारे में आज हम बताएंगे। तो अब अगर आप देखिए, इसमें दो तरह का ग्रिल हो गया आपका, MS का और SS का। और विंडो में भी आपका जो है बहुत तरह का विंडो होता है, एक लकड़ी का विंडो होता है, एक ग्लास का होता है, और एक आप एक होता है पूरा विंडो में ग्रेनाइट फ्रेम वाला होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं भाई, अब कौन सा, अगर हम पहला बात करते लकड़ी का, अगर आप लकड़ी का विंडो लगाते हैं, विंडो फ्रेम लगाते हैं, तब उस लकड़ी के चारों साइड मतलब वुड के चारों साइड जो है आपको MS का ग्रिल लगाना है। ठीक है, इतना क्लियर है। वो कैसे लगेगा, तो पहले हम विंडो फ्रेम लगा लेंगे, फिर उसके बाद उसमें ग्रिल लगाना। ठीक है, विंडो के ऊपर ही, उस फ्रेम के ऊपर ही, ना आगे ना पीछे। ठीक है, ये तो क्लियर है। और अगर आप ये ग्लास का लगाते हैं, जो एल्यूमिनियम फिट करके जो है ग्लूस में ग्लास लगाया जाता है, उसमें क्या होता है, आपको ये MS का ही ग्रिल उसमें लगा जाता है, जो कि आपका अंदर होता है, मतलब सेंटर में होता है। MS का ग्रिल लगेगा वो अंदर रहेगा, और एल्यूमिनियम फ्रेम जो रहेगा आपका और एल्यूमिनियम ग्लास जो लगेगा वो आपका बाहर रहेगा, घर के बाहर बाहर फेस में रहेगा। बीच वाला फेस में आपका हो गया MS का, और बाहर वाला में हो गया आपका ग्लास। इतना क्लियर है। फिर अगर आप ग्रेनाइट का लगाते हैं फ्रेम, ग्रेनाइट फ्रेम में भी आपका सेम कहानी है। ग्रेनाइट फ्रेम में अगर आप चाहते हैं तो इसमें ज़्यादातर लोग रिफर करता है SS का, स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील का लोग इसमें ग्रिल लगाते हैं। ठीक है, और उस ग्रिल वो क्यों, क्योंकि भाई जब ग्रेनाइट लग जाता है उसमें फिर ड्रिल करके उसमें स्टेनलेस स्टील का जाली को फिक्स किया जाता है, जो कि देखने में ही बहुत सुंदर लगता है। क्योंकि अगर आप ग्रेनाइट फ्रेम लगा रहे हैं तो भाई जरूर है कि आप भाई पैसा वाला, ज़्यादा पैसा आपके पास है, तो इसलिए। और उसके बाद अंदर साइड में वो तो लगेगा आपका बाहर, अंदर साइड में अगर आप चाहते हैं तो आप उसमें ये SS एल्युमिनियम का लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका वुड का बिल्कुल ख़राब देखेगा चाहे। ठीक है, उसमें आप एल्युमिनियम का ये ग्लास विंडो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों कब लगाना है। और अगर आप वुड, ये सारा काम आपको तब करना है जब अगर आप SS का एल्युमिनियम का लगा रहे हैं और एल्युमिनियम ग्लास का, तो उसमें आपको ये जिस समय ब्रिकवर्क होता है उसके बाद मतलब प्लास्टर से पहले आपको करना है। ठीक है, और अगर ग्रेनाइट का लगा रहे हैं तब तो टाइल ग्रेनाइट उनाइट लग जाएगा, उसके बाद तब जाके अगर लास्ट में लगाइए ग्रिल। ठीक है, और अगर लकड़ी का लगा रहे हैं तो इसको भी आप सबसे लास्ट में लगा सकते हैं। अगर लकड़ी का फ्रेम है तो उसमें आपका MS का जो ग्रिल लगेगा वो सबसे लास्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था कि कब लगाना, ये मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। और हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप को लेकर के अगर आप अभी तक और सारा वीडियो अगर मेरा देखना है तो आप सीधे जाइए मेरा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको मेरा सारा सीरीज़ देखने को मिल जाएगा, या नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने सपने का घर ड्रीम हाउस ज़रूर बना रहे होंगे, और मेरे वीडियो के मदद को देखते हुए मदद आपको ज़रूर मिल रहा होगा। अगर मिल रहा ज़रूर जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर ये वीडियो पसंद आए ज़रूर उसको लाइक तो कम से कम कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए।
अच्छा आप लोग कर दिए हैं, जिन्होंने कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनसे गुजारिश है कृपया करके कर दीजिए, जैसे कि हमको भी खुशी मिलेगी कि आप लोग का प्यार मेरे तक पहुँच रहा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।